Good morning students. So uh, today we'll be continuing with our topic mutualism. And uh, in mutualism, I have told you few things. That in mutualism, the inter it, it is a kind of interaction where both the species are interfering species and they both will be benefited. Hai? And we have classical example discussion. Lichens. Remember? लाइकन्स में फंगस और एलगी फोटोसिंथेटिक एलगी जैसे साइनोबैक्टीरिया एक साथ रहते हैं फंगस आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता लेकिन फंगस में आपको पता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मतलब ये डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड बनाता है और और वहाँ जो भी मटेरियल होगा उसको डिग्रेड करने की इसकी कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है इसलिए फंगस मिनरल्स रिलीज कर सकता है ठीक है और जो एल होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो वो अगर फंगस के साथ रहेगा तो फंगस को प्रिपेयर्ड फूड मिल जाता है और एलगी को जो है एल ने फूड दे दिया फंगस को और फंगस ने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया आपको याद होगा कि फंगस का जो बॉडीज है फंगस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम हाइफी बोलते थे यू मस्ट इन लोअर क्लासेस कि हाइफी जो होते हैं एक जाल सा बना लेते हैं अब उसमें बीच बीच में एलगी लग जाते हैं एलगी उसको फूड देगा फंगस को और फंगस एलगी को आ, दिस शेल्टर देगा एक हमने केस किया था माइकोराइजा, माइको माइको मतलब रिमेंबर फंगस माइको फंगस राइजा रूट तो फंगस रूट्स के हायर प्लांट्स की रूट के साथ रहता है तो फंगस क्या करता है जो आस पास में से जो मिनरल्स हैं उनके एब्जॉर्बशन में हेल्प करता है प्लांट को और जो प्लांट है इन रिटर्न डायरेक्ट प्रिपेयर्ड फूड दे देता है फंगस को तो बोथ आर बेनिफिटेड ठीक है थीके? फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था केस पॉलिनेशन का जैसे ऊपर उप, एक एग्जांपल दिया है ना ट्री एंड वास्प में पॉलिनेशन में देखो ग्रेन को शिफ्ट करना है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तो पोलन पर आकर कोई भी एनिमल बैठेगा ये जो इंसेक्ट है वो बैठेगा तो उस उसको इंसेक्ट को क्या मिलेगा नेक्टर नेक्टर फीस है कौन दे रहा है फीस ये प्लांट दे रहा है ये फ्लावर दे रहा है किस परपज में किस पर्पज़ से क्योंकि ये इसका पोलन ग्रेन लेकर जाएगा तो दोनों को बेनिफिट हो गया ठीक है तो ये जो ऑलवेज दिस इज काइंड ऑफ दोनों को जिसमें फ़ायदा होता है बट इसमें एक लाइन दिए बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स फॉर एग्जाम्पल दे ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एड एडिंग इन पॉलिनेशन तो इसका क्या मतलब हुआ कि कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे आके जो ऐसे इंसेक्ट हैं आके बैठ जाएंगे नेक्टर लेंगे बट कई बार सीड डिस्पर्जल फ्रूट डिस्पर्जल या आपका जो गेन है उसको डिस्पर्जल में ये कोशिश ये क्या करते हैं कोई बेनिफिट नहीं देते तो प्लांट का नेक्टर तो ले गए लेकिन पोलग्रेन नहीं लेके गए तो दिस वे तो क्या किया है कुछ आपने बड़ा ही आप स्पेशल मैकेनिज्म देखोगे इसे कहते हैं को एवोल्यूशन यू हैव टू राइट इट को एवोल्यूशन दिस इज यवोल्यूशन जो है ये क्या कंसेप्ट है अभी मैंने बताया कि चीटर से बचना पड़ेगा चीटर वो इंसेक्ट जो आया उसने क्या किया पोलिन नेक्टर लिया जूस लिया न्यूट्रिशियस मटेरियल ले लिया लेकिन पोलिनेशन नहीं करा उसको अब प्लांट क्या चाहता है कि ऐसा कोई मैकेनिज़म डेवलप कर ले कि जब ये वो जो इंसेक्ट है इसकी बॉडी से आके बैठे टच हो तो पक्का पोलिनग्रेन लेकर ही आ जाए तो कई प्लांट्स के फ्लावर और कई इंसेक्ट का जो लाइफ साइकिल है आई एम रिपीटिंग इट कई प्लांट्स के फ्लावर और इंसेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो ऐसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि वो एक दूसरे के बगैर कंप्लीट ही नहीं हो सकता ठीक है तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते और अगर वो पर्टिकुलर इंसेक्ट इस फ्लावर पर आके नहीं बैठा तो वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो ज़रूर पीछे जब ये प्लांट और ये जो इंसेक्ट बने हैं अर्थ पर इवोल्व हुए हैं तो एक साथ ही इवोल्व हुए होंगे इसे कहते हैं को एवोल्यूशन यानी एवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड पोलिनेटर टुगेदर को मींस कॉमन तो इसमें एक क्लासिकल एग्जांपल है जो मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि जो फिग होता है ये है फिग फिग में जो इसका फ्रूट है जो फ्लावर है फ्लावर ही अल्टीमेटली उसमें से ओवरी ही आगे चलकर फ्रूट बनने वाली है तो इसकी ऐसी शेप होती है अंदर आप देखोगे बिल्कुल ऐसे वेसल्स आए खाली पड़ा है ताकि आराम से आके इंसेक्ट जो है यहाँ आए ठीक है इंसेक्ट जब इसमें अंदर आएगा और इससे नेक्टर लेके ठीक है यहाँ पर ये वास्प जो है इंसेक्ट इसमें अंदर आएगा इसको स्पेस मिलेगा ठीक है तो और यहाँ पर वो अपने एग ले करके जाएगा जब एग ले करेगा इसी इसके लिए एक टर्म यूज़ किया है पार्टनर वास्प ये जो दूसरा ये फ्लावर के लिए पार्टनर कौन हो गया है जो वास्प है वो ही इसका पार्टनर है तो फ्लावर जो है ना वो ऐसे डिज़ाइन है कि और किसी स्पीशीज़ कोई और स्पीशीज़ इसमें अंदर एंटर नहीं कर सकती तो फीमेल वास्प इसमें फ्रूट में आ जाएगा ठीक है अब अपने एग यहाँ पर रखेगा और जब फ्रू सीड से फ्रूट बनेगा तब तक इधर सीड में जो है फ्रूट जो फ्रूट में सीड डेवलपमेंट हो रहा है तब तक उसका जो इंसेक्ट है उसका एग जो है लावा में कन्वर्ट होता है एंड अब ये जब लावा बाहर जाएगा तो अपने साथ सीड भी ले जाएगा ठीक है तो वास्प जो है फिग की इन्फ्लोरोसेंस का जो ये एग्जाम्पल लिया आपने वो दोनों को बेनिफिट हुआ और ऐसा है कि मतलब एक दूसरे के बगैर लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं कर सकते ठीक है अब एक मैंने आपको ऑर्किड्स का केस बताया था जिसमें होता क्या है ऑर्किड्स में एक बड़ा ही आप स्पेशल केस देखते हैं पॉलिनेशन को एन्श्योर करने के लिए कि ऑर्किड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर की पैटर्न बना के रखते हैं ताकि उसे दूर से ही इंसेक्ट देख ले और वो उसे सिर्फ आ, मतलब उसे पता चल जाए कि ये वो पर्टिकुलर फ्लावर है उसी शेप जैसा होगा इंसेक्ट जैसी शेप के उसके फ्लावर्स होंगे ऐसा एक खास केस देखा है ऑर्किड का नाम है आप इसको जो इटैलिक में लिखा है इसको लिख लेना ओफायरस ठीक है ओफायरस के केस में आप क्या देखोगे कि जो पेटल जो ये फ्लावर जो है उसके पेटल कुछ इस तरीके से बिल्कुल डिजाइन है पेटल की शेप बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ये फीमेल इंसेक्ट है ठीक है यानी ये फीमेल इंसेक्ट है ऐसी शेप का इसके पेटल ऐसी शेप बना लेते हैं अब जो मेल इंसेक्ट होता है जब उसको सेक्सुअल डिसाइड होती है तो बेसिकली करता क्या है इसको फीमेल इंसेक्ट समझ के इस पर जो मेल बी है वो आकर बैठता है और कॉपुलेट करता है पर नाउ सी एक्चुअली वो फ्लावर है पेटल्स हैं और ये जो पेटल्स हैं वो कोई रियल कॉपोलेशन तो हो नहीं रहा हो क्या रहा है मेल को एक धोखा हुआ है कि ये फीमेल बी है तो ये रियल कॉपुलेशन नहीं है ये है सूडो कॉपुलेशन आप इसको लिख लेना ये आ जाएगा क्वेश्चन द अब ये सी जब ये सूडो कॉपुलेशन करेगा ठीक है लेकिन वहाँ रियल में फीमेल फ्लावर तो फीमेल तो है नहीं फीमेल भी और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो जैसे ही दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा ये अपने साथ फुल गेंद लेके जाएगा तो तुलसी हाव दोनों एक साथ ही इवॉल्व हुए हैं ये भी एक कोवोल्यूशन का एक एग्ज़ाम्पल है सो तो ये अगर हम फीमेल फ्लावर जो इसमें हम बात कर रहे थे उसका पर, कलर का पैटर्न ये सब चेंज हो जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि उसको ये ऐसा लगेगा कि फीमेल इंसेक्ट है नहीं लगेगा तो इसका मतलब इनका एवोल्यूशन बिल्कुल बड़े स्पेसिफिकली एक साथ हुआ है यू हैव टू रीड द स्टडी दिस समरी and we'll do questions later right in next video or we'll discuss it uh, these questions in our google meet thank you